तो देखिए इस तीसरे पार्ट में कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं, उनका नाम भी दिया हुआ है नवीना प्रवीण समृद्धि नीना छ एकदा भ्रमणाय गच्छति। तो जो लोग घूमने जा रहे हैं, जो लोग घूमने गए हुए हैं, उनमें कुछ लोगों का नाम दिया हुआ है नवीना है। सबसे ऊपर तक क्या नाम ही दिया हुआ है नवीन है, नवीन प्रवीण प्रवीण समृद्धि समृद्धि नीना चर और नीना, ये चार बच्चों का नाम है। नवीन पूछ रहा है और प्रवीण उत्तर दे रहा है। तो स्क्रीन शेयर करते हैं आप लोगों को। तो जाए इसको बोलिए। तो पहली लाइन में देखिए लिखा हुआ है नवीन प्रवीण समृद्धि नीना लिखा हुआ है। ये चार बच्चों का नाम जो चिड़िया जाते हैं, एकदा भ्रमणार घूमने जाते हैं, एकदा एक बार भ्रमणाय घूमने के लिए गच्छन्ति जाते हैं। अब देखिए नवीन क्या पूछ रहा है प्रवीण से। नवीन किसी वस्तु को देख के पूछता है प्रवीण से और प्रवीण जो है उसका उत्तर देता तो नवीन है, नवीन पूछ रहा है नवीन ऐसा का अस्ति। एक बार वाचन कर लेते हैं पूरे चैप्टर का, इसके बाद फिर दोबारा चलते हैं उसके मीनिंग की ओर और हिंदी शब्दार्थ की ओर। नवीन ऐसा का अस्ति, प्रवीण ऐसा जंतुशाला अस्ति, जहां से आवाज आ रहा है वो अपना म्यूट कर लेंगे, जिधर से आवाज आ रहा है म्यूट कर लेंगे, मेरे तरफ से म्यूट हो जाएगा सबका। नवीन किम अत्र अनेके जीवा सन्ति, प्रवीण आम अत्र अनेके जीवा सन्ति, नवीन ते किम कुर्वन्ति, प्रवीण पश्य तत्र सिंह गर्जति, अश्व धावति, गज चलति, मृग शीघ्रम धावति, अज चरति, तदा समृद्धि नीना च आगच्छत, तदा समृद्धि नीना च आगच्छतः। समृद्धि समृद्धि एते के सन्ति, नीना एते खगाह सन्ति, समृद्धि खगाह किम कुर्वन्ति,
नीना एषा मयूरः नृत्यति, एषा शुकः खादति, पीकः कूजति, कपोतः उत्पतति, उलूकः तिष्ठति, सा सारिका गायति, सर्वे भ्रमन्ति, नवीनः तत्र किम् अस्ति, प्रवीणः तत्र सरोवरः अस्ति, नवीनः एते के तरन्ति, प्रवीणः जिधर से बात आ रही है, जिधर से आवाज सुन रहा तस्ति, यहाँ देखिए सर्वे भ्रमन्ति, यहीं से नवीन तत्र किम अस्ति, प्रवीण तत्र सरोवर अस्ति, नवीन एते के तरन्ति, प्रवीण एते जल जीवा तरन्ति, नवीन अत्र मकर मंडूक कक्षप मीन च अनेके जीवा सन्ति। तो यहां देखिए अभ्यास में चित्रम ध्यानेन पश्यन्तु, लिखितानि नामानि पठन्तु च। गजः सिंहः वानरः उष्ट्रः अश्वः व्याघ्रः गर्दभः भल्लुकः कुक्कुरः धेनुः अजा मूषकः विडालः, एते सर्वे पशवः अस्माकं मित्राणि सन्ति। तो चलिए एक बार हम लोग आते हैं इधर से और उसका हिंदी अर्थ जान लेते हैं। नवीनः प्रवीणः समृद्धि नीना च एकदा भ्रमणाय गच्छन्ति। नवीन प्रवीण समृद्धि और नीना दो बालक हैं, दो बालिका, दो बालिका का नाम है, दो बालक का नाम है। नीना एकदा भ्रमणाय, एक बार घूमने के लिए गच्छन्ति जाते हैं। एकदा भ्रमणाय गच्छन्ति, एक बार घूमने के लिए जाते हैं। अब नवीन देखिए पूछ रहा है ऐसा का अस्ति, यह क्या है। तो प्रवीण कह रहा है, प्रवीण उत्तर दे रहा है, ऐसा जंतुशाला अस्ति, यह जंतुशाला है, यह चिड़िया घर है। नवीन किम अत्र अनेके जीवा संति, क्या किम क्या अत्र यहाँ अनेके जीवा अनेक जीव जंतु शंति हैं, क्या यहाँ अनेक जीव जंतु हैं। प्रवीण आम, प्रवीण कह रहा है हाँ अत्र अनेके जीवा संति, यहाँ अनेक जीव हैं। नवीन नवीन ते किम कुरुवंती, नवीन कह रहा है वे क्या कर रहे हैं, ते वे सब किम क्या कुरुवंती कर रहे हैं, वे सब क्या कर रहे हैं। प्रवीण प्रवीण कह रहा है पश्य तत्र, देखो वहां, पश्य मीन देखो, तत्र मीन्स वहां। सर सिंह गर्जति, शेर गरज रहा है, दहाड़ रहा है, गर्जति मीन्स दहाड़ रहा है। अश्व धावती, घोड़ा दौड़ रहा है। गजा चलती, हाथी चल रही है। मृग शीघ्रम धावती, हिरन तेज दौड़ रहा है। वानर खादती, बंदर खा रहा है। अजह चरती, बकरी चर रही है। देखिए एक बार से फिर इसको, सिंह गर्जति, शेर दहाड़ रहा है।
अश्व धावती, घोड़ा दौड़ रहा है, गजा चलती, हाथी चल रही है, मृगा शीघ्रम धावती, हिरन तेज दौड़ रहा है, वानर खादती, बंदर खा रहा है, अजा चरती, बकरी चर रही है। तो इस चित्र में सब लोग देख रहे हैं। तीसरे दूसरे चित्र में देखिए, शेर है, पिंजरे में बंद दहाड़ रहा है। पहले वाले चित्र में क्या है, जंतुशाला, जंतुशाला का चित्र दिखा हुआ है बाहर से। और तीसरे में देखिए, एक तरफ पक्षियों का है और एक तरफ पशुओं का है। तो यहाँ पे पशु में बंदर है, तो बंदर वृक्ष पर बैठा हुआ खा रहा है, हिरन दौड़ रहा है, हिरन तेज दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, बकरी चर रही है और हाथी चल रही है। आइए नेक्स्ट पेज। तदा समृद्धि नीना च आगच्छत। तो ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे आपस में। नवीन पूछ रहा था, प्रवीण बता रहा था। तदा, तदा मीन्स तब, तदा मीन्स तब। समृद्धि नीना च आगच्छत। समृद्धि और नीना आ जाते हैं, तभी समृद्धि और नीना अरे आ जाते हैं। समृद्धि पूछती है नीना से, अब नीना उत्तर दे रही है। देखिए, एते के संति, पक्षियों को देख के पूछ रही है, एते के संति, ये कौन है? तो नीना बता रही है, एते खगा संति, ये पक्षियां हैं। समृद्धि पूछ रही फिर, क्या खगा किम ना कुर्वन्ति? समृद्धि पूछ रही, खगा किम कुर्वन्ति, पक्षियां क्या कर रही हैं? तो नीना बता रही है, क्या एष मयूर नृत्यति, एष शुक खादति, पीक कूजति, कपोत उत्पतति, उलूक तिष्ठति, सा सारिका गायति। अर्थात देखिए एक बार फिर से इसका हिंदी अर्थ सहित। एष मयूर नृत्यति, नृत्यति, यह मोर नाच रहा है। एष शुक खादति, यह तोता खा रहा है। पीक कूजति, कोयल कूक रही है, कोयल कूक रही है। कपोत उत्पतति, कबूतर उड़ रहा है। उलूक तिष्ठति, उल्लू बैठा है। सा सारिका गायति, वह सारिका गा रही है। सारिका मैना, वह मैना गा रही है। तो एषा मयूर नृत्यति, यह मोर उल्लू तिष्ठति, उल्लू बैठा है। सा सारिका गायति, वह मैना गा रही है। आइए नेक्स्ट चित्र में देखते चलिए। मोर का नाचते हुए चित्र है यहाँ पे, और पक्षियों को देख। सर्वे भ्रमंती, सभी घूमते हैं मीन्स और देखिए, कुछ दूर पे तालाब दिखा तो नवीन पूछ रहा है प्रवीण से, और प्रवीण बता रहा है, तत्र किम अस्ति, वहां क्या है? नवीन पूछ रहा है, नवीन तत्र किम अस्ति, नवीन कह रहा है वहां क्या है? प्रवीण तत्र सरोवर अस्ति, प्रवीण कह रहा है वहां तालाब है, सरोवर में तालाब। नवीन एते के तरंती,
नवीन कह रहा है इसमें कौन तैरते हैं, इसमें कौन तैर रहे हैं। प्रवीण, प्रवीण कह रहा है एते जल जीवा तरंते, इसमें जलीय जीव तैर रहे हैं, इसमें जलीय जीव जंतु तैर रहे हैं। नवीन कह रहा है अत्र मकर मंडूक कक्षप मीन च अनेक जीवा संति। अत्र यहाँ मकर मगरमच्छ मंडूक मेढक कच्छप कछुआ मीन च और मछली इत्यादि अनेक जीव हैं। देखिए नीचे मीनिंग दिया हुआ है आगच्छत, दो लोगों के लिए आते हैं या आ रहे हैं, आगच्छत आते हैं या आ रहे हैं। तो आइए अभ्यास में, यहां देखिए गज किसको बोलते हैं, वानर, सिंह, उष्ट्र, हम ये कॉपी में बना अश्व। लिए हैं। अच्छा बहुत अच्छा है। भल्लुक, व्याघ्र, गर्दभ, अजा, धेनु। देखिए धेनु में दो दो लिखा हुआ है, दो शब्द लिखा हुआ है, धेनु और गौ, मीन्स गाय। कुक्कुर, मूषक, विड़ाल, अजा, एते सर्वे पशु अस्माकं मित्राणि सन्ति, ये सभी पशु हमारे मित्र हैं। एते सर्वे पशु, ये सभी पशु अस्माकं मित्राणि सन्ति, हमारे मित्र हैं। तो चलिए आइए इसमें देखते हैं, अधुना लिखन्तु एते के, तो इसको क्या लिखेंगे बताते चलिए। कहाँ से इतना आवाज आ रहा है जी? अच्छा आप लोग मत बोल, अविनाश बोलो, तुम बोलो, केवल तुम ही बोलो। पहले ठीक है सर, में क्या रहेगा? सिंह, सिंह, हाँ सिंह। दूसरे में, गजहा, हाँ गजह। नेक्स्ट तीसरा, ग मूषक, उड़ीद, मूषक। नेक्स्ट घ उष्ट्र, उष्ट्र, कुकुरा, हाँ, और कुकुर, बहुत सही। अब चलिए नेक्स्ट में, और अब तुम मत बताओ, अमृतान सुन रहे सर, हो? नहीं, अच्छा हो तुम क्लास में, चलो यस बताओ सर, आगे, तुम बताओ। गाड़ी रखा अपना, इतना आवाज आता है ये इसमें। सब कमाल सर, जिनकी तरफ विडाला से आ रहा है वो मेंट रखेंगे। हाँ विडाल, धेनु, धेनु, अश्व, अश्व, ठीक है, भलुका, भल्लुक सही है, वानर, वानर, ठीक, बहुत अच्छा। अब चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, इसको समझते हैं। उदाहरणम पठित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, उदाहरण को पढ़कर रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, रिक्त स्थानों को पूरा करें। तो उदाहरण में क्या लिखा हुआ है, उदाहरण में लिखा हुआ है यह वृक्ष, एक लाइन सुन लीजिए, एक लाइन समझ लेंगे तो सारा कर लेंगे फिर से। म्यूट रखिए जहां से आवाज, जिनके तरफ से आवाज आ रही है, तो बार बार मैं यही बोल रहा हूं।
अब मुझे ना बोलना पड़े, यह वृक्षे कूर्दतीश, यह मीन्स होता है जो वृक्षे वृक्षों पर कूर्दति कूदता है सह वह, तो इसका अर्थ होगा जो वृक्षों पर कूदता है वह कौन है? वानरा, वानर है, बंदर है वो। तो ऐसे ही सब पढ़ेंगे। यह तीव्रम धावती स, जो तेज दौड़ता है वह मृग अश्व। हाँ, मृग अश्व, मृग अश्व भी होगा। यस सर। यह वनराज अस्ति सह, जो वन का राजा है वह सिंह, सिंह, सिंह। वह यह भारम वहति स, जो भार ढोता है वह गदर्भ, गदर्भ, गर्दव, गर्दभ, गर्दभ। यस सर। यह मरुस्थले सहायक भवति सह, जो उरिष्ठः, मरुस्थले सहायक भवति सह, जो मरुस्थल में चलने में सहायक होता है वह उरिष्ठः, उरिष्ठः। यह सनय सनय चलती स, जो धीरे धीरे चलता है वह गजः, कच्छपः, गजः, गजः और कच्छपः दोनों हो सकता है। यस सर, धीरे धीरे कछुआ भी चलता है, धीरे धीरे हाथी भी चलती है। तो चलिए देखिए यहाँ पे साधु लिखितानि पदानि उसी का संभे लिखत। अब यहाँ देखिए दो कॉलम बने हुए हैं, एक में वनवासीन पशु, वन में रहने वाले पशु हैं, और दूसरे में अन्य पशु, और दूसरे में वन में नहीं रहते पशु। और इसमें बॉक्स में सारे पशुओं, दोनों इन दो में अलग अलग कर रहे हैं, वन में कौन, जंगल में कौन कौन से पशु रहते हैं। तो जंगल में रहने वाले पशु हैं, आइए एक बार बोलते हैं, आप लोग पेंसिल से टिक कर लीजिए, या तो इतना काम आप लोग खुद कर सकें। सर बोले एंसर सर बल्लू का व्याघ्र हो, और जितना बचा है अन्य पशु वाले कॉलम में लिख देंगे। यस सर। पहना होगा वन, देखिए उचित शब्द उचित देन लेना गुरु। ये सब दे दिए सर, आवाज क्लियर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, योर वॉइस इज नॉट क्लियर सर। उचित शब्देन मेलनम कुरुत। तो पशु जैसा है, जिस जिस पशु का जो गुण है वही उसका गुण आगे लिखा हुआ है, जैसे चपल है, चालाक, दुग्ध प्रिय है, दूध किसको प्रिय है, किस पशु को, धावक कौन दौड़ने वाला पशु है, स्थूल कौन भारी पशु है, भारवाहक कौन भार ढोने वाला पशु है, पराक्रमी कौन पराक्रमी है, कौन तेज है, स्वामी भक्त है और कौन स्वामी भक्त पशु है। तो इसका मिलान कर लेंगे जैसे यस सर,
सिंह का होगा पराक्रमी। तो सिंह हो गया आपका, क्या हो गया बता दो। चलिए सिंह हो गया पराक्रमी, पराक्रमी बहुत अच्छा। अश्व हो गया घोड़ा हो गया धावक, बहुत अच्छा। गर्दव गर्दव हो गया वाहक भार ढोने वाला। और गज हो गया बहुत भारी होता है तो स्थूल, तो कुर। कुत्ता हो गया तो स्वामी, बिड़ाल है तो बिड़ाल है, दुग्ध प्रिय बिड़ाल है, बिल्ली दूध प्रिय, दूध को दूध प्रिय है, वानर चपल चपल, वानर चपल बंदर जो है बहुत चालाक है, चालाक होता है। अब देखिए नीचे क्या लिखने के लिए दिया हुआ है। अधः प्रदत्त स्थाने समझिए इस प्रश्न का पहले आप सोचने। अधः अधः मीन्स नीचे, अधः मीन्स नीचे, प्रदत्त स्थाने दिए हुए स्थान में, स्वप्रिय पशु, स्वप्रिय पशु अपने प्रिय पशु का चित्र, स्वप्रिय पशु चित्रम अपने प्रिय पशु का चित्र रचयित्वा बनाकर तत उसको चित्रम वर्णय, उस चित्र को वर्णय रंजयंतु रंगों में रंगे। यहाँ पे किसी दो पशु का चित्र बना के उसके नीचे उसका नाम लिख देना है और कलर कर देना है। आ गया सबको समझ में? यस सर। सर हम खाली कलर, सर हम खाली चित्र बनाए उसका नाम नहीं लिखे पर। अच्छा नाम लिख दीजिए नीचे। तो ऊपर लिख दिया है ऊपर। ऊपर नीचे स्पेस नहीं बचा है तो ऊपर ही लिख देना, ठीक है। अच्छा इसमें चलिए तृतीय पार्ट में कुछ मीनिंग बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले लाइन में है, नवीन प्रवीण समृद्धि नीना च एकदा भ्रमणाय गच्छन्ति। तो एकदा भ्रमणाय गच्छन्ति, एकदा मीन एक बार। सर एक साथ सर वो चिड़िया घर घूमने गया सर। एकदा मीनिंग सुनिए, मीनिंग मीनिंग का अर्थ लिखिए। एकदा एक बार, एकदा मीन एक बार, एक बार। हाँ भ्रमणाय घूमने के लिए, क्या चीज सर? भ्रमणाय मीन्स भ्रमणाय घूमने के लिए, भ्रमणाय घूमने के लिए, हाँ घूमने के लिए गच्छन्ति जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रवीण पश्य तत्र, जहाँ सिंह गर्जती है, गर्जती का होता है दहाड़ रहा है, धावती का दौड़ रहा है, चलती चल रहा है, शीघ्रम धावती तेज दौड़ रहा है, खादती खा रहा है, चरती चर रहा है। हाँ चलिए नेक्स्ट पेज में। क्या सर? तदा शब्द, ये आवाज कहाँ से आ रही? तदा समृद्धि नीना च आगच्छत, आगच्छत आ रहे हैं, तभी दो लोग, दो लोग आते हैं। नीचे मीनिंग दिया हुआ भी है। तो देखिए तीसरे में, देखिए तीसरे लाइन में खगा किम कुर्वन्ति, कुर्वन्ति कर रहे हैं, एषा मयूर नृत्यति, नृत्यति मीन्स नाच रहा है, शुक खादति, खादति मीन्स खा रहा है, पिका कूजति, कूजति कूक रही है, कपोता उत्पतति उड़ रहा है, उलूका तिष्ठति, तिष्ठति मीन्स बैठा है, गायती मीन्स गा रही, सर्वे भ्रमन्ति सभी घूम, वे भ्रमन्ति सभी घूम रहे हैं।
देखिए नीचे एते जल जीवात्म एते, अच्छा आवाज नहीं आ रहा है सर, आवाज ढंग से नहीं आ रहा है सर, क्लियर आ रहा है फिर सर आवाज नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा, देख रहा हूँ बेटा, देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ सर, आवाज क्लियर है सब लोग वीडियो ऑन करेंगे अपना। चलिए एक बार पाठ का वाचन करते हैं संस्कृत में, देखते चलिए सब लोग मिलाते चलिए हाथ से। वयम पश्यामः जंतुशालां, बुक में देखते चलिए, वयम पश्यामः जंतुशालां नवेन क्रमेण समृद्धि नेन च एकदा भ्रमणाय गच्छन्ति, नवेन एषा का अस्ति क्रमेण एषा जंतुशाला अस्ति, नवीन किम अत्र अनेके जीवाः सन्ति प्रमेण आम अत्र अनेके जीवाः सन्ति, नवीन ते किं कुर्वन्ति प्रमेण पश्य तत्र सिंह गर्जति अश्व धावति गज चलति मृग शीघ्रं धावति वानर खादति अज चलति तदा समृद्धि नीना च आगच्छतः, समृद्धि एते के सन्ति नीना एते खगा सन्ति, समृद्धि खगा किं कुर्वन्ति नीना एषा मयूर नृत्यति एषा शुक खादति पिक पूजति कपोत उत्पतति उलूक तिष्ठति सासारिका गायति सर्वे भ्रमन्ति नवीन तत्र किम अस्ति प्रवीण तत्र सरोवर अस्ति। अब आवाज नहीं आ रही, आवाज क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। नवीन तत्र किम अस्ति प्रवीण तत्र सरोवर अस्ति, नवीन एते के तरन्ति प्रवीण एते जल जीवा तरन्ति, नवीन अत्र मकर कमण्डूक कच्छप मीन च अनेके जीवाः सन्ति। ठीक, इस पाठ में मेरी को याद कर लेना सब लोग, इसके बाद कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है।